हाय गाइस, आप लोग का सोनी बुटीक्स में स्वागत है। आज के वीडियो में मैं ब्लाउज का कटिंग किया है, तो इसका मैं डिज़ाइन करूंगी। इस ब्लाउज पे मैं आज इसका स्टिचिंग दिखाने वाली हूँ, स्टिच करके। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर कपड़े पर थाई बैक पार्ट का है कपड़ा, है थाई में इस कपड़े को रख लिया है। पूरा गले को पहले मैं लॉक कर रही हूँ फ्रेंड्स, पूरा गले को लॉक करते हुए, और इस साइड में भी लॉक कर लेना है। इधर दोनों प्लेट्स को तैयार कर लेना है, एक बराबर करते हुए लॉक कर देना है यहाँ पर फ्रेंड्स। अब यहाँ पर ये फ्रेंड्स लॉक हो गया है। अब यहाँ पर मैंने यहाँ साबुजी पीला कलर का मैंने लिया है कपड़े को, तो मैं इसका ही इसमें पाइपिंग दूंगी फ्रेंड्स। इसको बढ़िया से आराम से इसको पकड़ते हुए अच्छे से इसको कर लेना है पूरा कंप्लीट। यहाँ पर कपड़ा ज़्यादा झोल ना हो, ज़्यादा टानी टूना ना करे, आराम से पाइपिंग को तैयार करें। इधर का स्टिच हो गया फ्रेंड्स। अब इसको हल्का हल्का सा कर देना है, और उसके बाद इसको पाइपिंग को तैयार कर देना है गले का। बहुत ज़्यादा मोटा भी ना रहे, बहुत ज़्यादा पतला भी ना रहे, डिजाइन बैठाना है तो हिसाब से मैं कर रही हूँ। आप लोग भी अपने हिसाब से या मोटा या पतला जो पसंद हो आप करिएगा फ्रेंड्स। इसका यहाँ पर पूरा कंप्लीट मैंने कर लिया है, इसको गले को एक बराबर यहाँ करते हुए इसको स्टिच कर लिया है पूरा। ये पाइपिंग तैयार हो गया है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर इस कपड़े को जोड़ रही हूँ मैं, यहाँ कमर के पार्ट पर मैं बैक साइड में इसको पाइपिंग लगाऊंगी फ्रेंड्स। यहाँ पर बराबर का कपड़े थाई करते हुए यहाँ पर पूरा स्टिच कर लेना है फ्रेंड्स, एक बराबर यहाँ करना है स्टिच। सूता इधर उधर ना हो, नहीं तो पाइपिंग सही से नहीं बैठेगा। एक बराबर करने से पाइपिंग खूब सुंदर से बैठ जाता है फ्रेंड्स। आप लोग देख सकते हो कितना सुंदर से ही बैठा है। अब यहाँ पर पलट करके मैं यहाँ फिनिशिंग सिलाई दे रही हूँ फ्रेंड्स एकदम। यहाँ पर मैं इस लाइन को ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि हमको डिजाइन बैठाना है, तो यहाँ पर सबको एक बराबर करते हुए यहाँ दोनों साइड का मैंने कर लिया है इसको। ये मैं आर्मों को यहाँ पर स्टिच कर लिया है बढ़िया से, इसको जमाते हुए दोनों साइड का स्टिच कर लेना है। तब उसके बाद यहाँ पर इस कपड़े को मैंने डेढ़ डेढ़ इंच पर कटिंग किया है फ्रेंड्स पट्टी को, और सारे गले पर ऐसे ही बैठा देना है। यहाँ पर पूरा एक बराबर बैठाना है, थोड़ा ये कपड़ा पतला है फ्रेंड्स, तो इसलिए यहाँ पर मोटा पतला में थोड़ा सा फर्क हो जा रहा है। इसको पूरा कंप्लीट कर लेना है, एक बराबर रखना है, कहीं कम बेसी ना हो फ्रेंड्स। एक बराबर रहने से एक बराबर ही सुंदर से डिजाइन होगा। यहाँ मैंने पूरा इसको पट्टी को बैठा लिया है डोरी को। अब मैं डोरी को अटैच कर रही हूँ यहाँ पर, पूरा मैं चारों तरफ में इस गले में पूरा मैं डोरी को डाल लूँगी। यहाँ पर मैं डोरी को पहले यहाँ लॉक कर दिया है क्योंकि यहाँ अंदर डालने के चक्कर में इसके पाइपिंग के निकल जाएगा उधर इसका, इसलिए मैं उसको ज़्यादा बड़ा नहीं किया है। तो हमको सब जगह इसको पूरा कंप्लीट कर लेना है। इसको पूरा डोरी में डालते हुए यहाँ पट्टी में पूरा डोरी को ढालते हुए पूरा कंप्लीट कर लेना है फ्रेंड्स को। यहाँ पर ये तैयार हो गया है फ्रेंड्स, चारों तरफ डोरी लॉक हो गया है। अब यहाँ का भी डोरी लॉक कर लेना है। मैंने यहाँ डोरी लॉक कर लिया है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर मैं डिजाइन बैठाने वाली हूँ, फिर एक बराबर यहाँ कटिंग किया है मैंने। ये जो ज़्यादा ज़्यादा कपड़ा है उसको कट करके निकाल देना है।
अब यहाँ पर मैंने इस सारे फूल को बनाया है। इसको मैंने 4 इंच चौड़ा 4 इंच लंबा करते हुए इसको त्रिकोण कोड में काटा है। इस डिज़ाइन को पूरा मैंने कंप्लीट किया है फ्रेंड्स। इसका मैंने डोरी भी डाला है, मेरा इसमें का लटकन भी डोरी का तैयार करके डाला गया है। आप लोग देख सकते हो, अभी मैं इसको दिखा रही हूँ कैसे मैं बनाई हूँ इसको। इसको बनाने में बहुत मेहनत लगा है फ्रेंड्स, आप लोग भी बनाइए, अच्छा लगता है ये सब ब्लाउज न्यू हिसाब में। फ्रेंड्स एक ठो लाइक कर दिया करें फ्रेंड्स, एक लाइक ही ये तो मेरे मेहनत का फल होता है फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, भाई बहन में शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। इस सारे डिज़ाइन को ऐसे ही बैठा देना है चारों तरफ। और यहाँ पर पूरा मैंने यहाँ कंप्लीट कर ले रही हूँ। अब यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो गया है, इसको बैठा दिया है फ्रेंड्स। अब ऊपर से यहाँ पर मैं रेडीमेड मैंने यहाँ पर लेस को लिया है और लेस बैठाना है यहाँ पर। यहाँ मैंने चुनट को तैयार किया है, देखिए इस तरह से। यहाँ देखो मैं इसको लटकन बना रही हूँ फ्रेंड्स। यहाँ मैंने लटकन को न्यू तैयार किया है, जैसे मेरा ब्लाउज का डिज़ाइन है वैसे मेरा लटकन भी है यहाँ पर। दोनों तरफ इसको बैठाते हुए अच्छे से इसको अटैच कर लेना है, अच्छा से सिलाई कर देना है। अगर आप लोग को ऊपर के साइड अच्छा लगता है तो ऊपर के साइड कीजिए, नीचे के साइड अच्छा लगे तो नीचे के साइड, क्योंकि मैं यहाँ पर ऊपर करने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने लटकन को तैयार कर लिया है फ्रेंड्स। अब इसको मैं खोल करके दिखा रही हूँ आप लोग को, कितना सुंदर से तैयार हो गया है। यहाँ पर हल्का सा कोना को लॉक कर देना है। लटकन तैयार हो गया है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर ब्लाउज रेडी हो गया फ्रेंड्स, एकदम तैयार हो गया। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मैं यहाँ पर डोरी लगा ले रही हूँ और मेरा वीडियो अभी कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।